हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है और ये एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, जहाँ पर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के बारे में बताऊँगा कि कैसे काम करता है, क्या इसके रिक्वायरमेंट है, सब कुछ। सो अगेन, इफ़ यू वांट वीडियोस इन हिंदी तो प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा था इंग्लिश में काफ़ी वीडियोज़ हैं बट हिंदी में काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इंडियंस, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी सब लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं जो इनट्यून पे काम भी कर रहे हैं और जो हिंदी समझते भी हैं। सो अगेन, स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में आपको बताता हूं कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, वगैरह वगैरह। सो सबसे पहले अगेन, मेरा नाम हिमांशु है और मैं चंडीगढ़ इंडिया से हूँ। वो नॉर्थ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। मेरा टोटल 12 साल का आईटी एक्सपीरियंस है, जिसमें से जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर तो मैं एक टेक्निकल ट्रेनर था, जहां पर मैं CCNA, MCSC, MCITP इस तरह की सर्टिफिकेशंस के बारे में पढ़ाता था। एंड एक साल के बाद आई देन ग्रेजुएटेड टू नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। मैं ग्रेजुएटेड इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो साथ के साथ चलता ही था टेक्निकल ट्रेनर के साथ, बिकॉज आई हैड नॉलेज। सो बट अगेन, मेरा जो जॉब प्रोफाइल था एज ऑफिशियल जॉब प्रोफाइल, वो चेंज हुआ था एक साल के बाद। सो दो साल तक मैंने वो कंटिन्यू किया नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। एंड उसके बाद मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा एक जंप लिया, जिसके अंदर मैं बना साइबर रिसर्चर, पेनिट्रेशन टेस्टर, साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर। और वो काम मैंने किया पूरे 3 साल। मैंने काफ़ी जगह, अलग अलग जगह जाके सेमिनार्स भी दिए। मैंने BSF और इंटेलिजेंस और NITRRR, जो चंडीगढ़ का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर, और अलग अलग जगह इंडियन आर्मी के लिए भी थोड़ा बहुत मैंने सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट किए हैं। सो ये सब के बाद फिर मैंने ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट का जो एक प्रोडक्ट है उस पर काम किया 4 साल तक। और पिछले 2 सालों में मैं इनट्यून पे काम कर रहा हूँ। मैं पिछले ऑलमोस्ट 5 या 6 सालों से चाइना में हूँ, तो इसलिए इस चैनल का नाम इंडियंस इन चाइना है। तो पिछले 6 साल में मैंने माइक्रोसॉफ्ट के जो क्लाउड प्रोडक्ट्स हैं, जो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उस पे काम किया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी, जो अभी भी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन कोई एक वीडियो नहीं है जिसके अंदर जाके आप डेमोज देख सकें। सो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं इस कोर्स को समझने के लिए, इस कोर्स को जानने के लिए। वेल, ऑनेस्टली इसको कोई भी समझ सकता है, क्योंकि आज की डेट में हर एक पर्सन के पास या तो लैपटॉप है या मोबाइल फोन्स है। मोस्टली, नॉट ऑल, बट या मोस्ट ऑफ द यूथ जो एक आईटी इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट रखता है, उन सब के पास ये सब है। तो उसके साथ अगर आपके पास एक जनरल बैकग्राउंड है एक्टिव डायरेक्टरी का, यूजर्स का, ग्रुप्स का, कि कैसे काम करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स, ये सब, जस्ट जनरल, वेरी जनरल बैकग्राउंड, और कोई भी तरह का आपका आईटी एक्सपीरियंस है, तो वो भी यहाँ पर काम आएगा। और साथ ही साथ अगर आपको विंडोज 10 के बारे में पता है कि यहाँ से मैं अगर ये क्लिक करूँगा तो यहाँ जा सकता हूँ, कंट्रोल पैनल में कैसे जाना है, और इवेंट व्यूअर लॉग्स कैसे देखने हैं, MDM डायग्नोस्टिक लॉग्स के बारे में बाद में बताऊँगा आपको, तो ये सब एक जनरल चीज़ें। और साथ ही साथ इंटून प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ विंडोज 10 को मैनेज नहीं करता, वो साथ में मैनेज करता है एंड्रॉयड डिवाइसेस और iOS डिवाइसेस को भी। तो अगर आपने एप्पल के प्रोडक्ट्स या नॉर्मल एंड्रॉयड फोन्स यूज किए हैं तो वो भी काफी काम आएगा आपको। अब सबसे पहले बात करते हैं इंटून के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बता दूंगी वीडियोज थोड़ी सी लंबी होने वाली है, सो प्लीज ग्रैब योर पॉपकॉर्न्स एंड जस्ट यू नो रिलैक्स एंड एंजॉय। सो अगेन, स्टार्ट फ्रॉम इनट्यून प्रोडक्ट क्या है। तो इनट्यून एक MDM सॉल्यूशन है। MDM का मतलब होता है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। तो जो आपका मोबाइल है वो एक डिवाइस है, उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, जिसके थ्रू आप अपने कॉर्पोरेट डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो। कॉर्पोरेट डेटा का मतलब वो हो गया जो आपके कंपनी का ऑफिशियल डेटा है,
जो अगर किसी राइवल कंपनी के हाथ में चले गया तो उसका मिसयूज हो सकता है और लॉस भी हो सकता है कंपनीज को बहुत बड़ा। तो इंटियम वो एक MDM सॉल्यूशन है जो कॉर्पोरेट डिवाइसेस को और कॉर्पोरेट डेटा को प्रोटेक्ट करता है। आज की डेट में हम सबको पता है कि डेटा कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया था कि डेटा इज एज वैल्यूएबल एज ऑयल। सो आगे बढ़ते हैं। तो पहले कैसे कॉर्पोरेट डेटा प्रोटेक्ट किया जाता था, क्या ऑर्थोडॉक्स टेक्निकल सिस्टम और नेटवर्क एनवायरनमेंट होता था पहले? पहले क्या होता था, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती थी, उस बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते थे। आज भी बहुत सारी कंपनीज इसी ऑर्थोडॉक्स टेक्निकल सिस्टम को फॉलो कर रही हैं। और एक जो एम्प्लॉय होता था उसके पास बैच होता था, उसको वो दिखाना होता था, साइन इन करना पड़ता था, देन वो कंप्यूटर पे जाता था, अपना पासवर्ड डालता था। अगेन ये एक दो मोड हो गए प्रोटेक्शन के, और फिर वो एक्सेस करता था कॉर्पोरेट डेटा उसी डिवाइस के ऊपर जो वो कंपनी के अंदर ही है। ओके? और जो सर्वर्स वगैरह होते थे, डेटा सर्वर्स होते थे, SQL सर्वर्स होते थे, जिस पे भी वो काम कर रहा है या जो भी वो डेटा एक्सेस कर रहा है, वो सब का सब उसी वक्त उसी कंपनी के अंदर ही होता था, वो कहीं बाहर नहीं होता था। तो ये था एक ऑर्थोडॉक्स टेक्निकल सिस्टम और नेटवर्क एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले काम होता था। तो हमें MDM की जरूरत आज की डेट में क्यों है? सबसे पहली तो ये जरूरत है क्योंकि आज की डेट में हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस बहुत सारे आ गए हैं। लैपटॉप, हमारा टैबलेट, हमारा फोन, ये सब इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स हो चुके हैं कि इसी डिवाइसेस के थ्रू ही मैं अपने कॉर्पोरेट डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, ईमेल्स भेज सकता हूँ, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकता हूँ, एप्लीकेशंस को रन कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ मैं मोबाइल डिवाइस के थ्रू ही। लेकिन दिक्कत क्या है कि मोबाइल डिवाइसेस और लैपटॉप आप कंपनी के बाहर लेके जा सकते हो, एंड अगर आप कंपनी के बाहर कोई भी डिवाइस लेके जाते हो तो ऑफकोर्स वो कॉर्पोरेट डेटा के लिए कहीं ना कहीं रिस्की सॉल्यूशन है। तो जैसे नेक्स्ट पॉइंट में आप पढ़ ही सकते हो कि मोबाइल डिवाइसेस और लैपटॉप्स दोनों के दोनों चोरी हो सकते हैं, गुम हो सकते हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट आई थी जिसके थ्रू ये बताया गया था कि बहुत सारे लैपटॉप्स हर साल एयरपोर्ट पे लोग छोड़ देते हैं, गुम हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। सो अगेन इस केस में कॉर्पोरेट डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत 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 ज़रूरी हो जाता है। सो वहाँ पर आपका काम करते हैं MDM सॉल्यूशंस। इंटियम सिर्फ एक MDM सॉल्यूशन है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऐसे बहुत सारे MDM सॉल्यूशंस अवेलेबल है थर्ड पार्टी की तरफ से। मैं इंटियम के बारे में बात करूँ क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, और दूसरी चीज़ माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ही बड़ा जायंट है टेक इंडस्ट्री के अंदर और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग इस कंपनी पे। सो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं इस ट्यूटोरियल के थ्रू आपको बताऊंगा, इस फर्स्ट वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि इंट्यून को आपको अगर थोड़ा बहुत जानना है कि आप कैसे उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, कैसा दिखता है कंसोल UI, कहां से आप नेविगेट कर सकते हो, डिवाइसेस चेक कर सकते हो, कैसे एनरोल कर सकते हो वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आपके पास एक ट्रायल इंट्यून टेनेंट होना चाहिए। टेनेंट बोलते हैं उस वेबसाइट को जिस वेबसाइट पे हम जाके उसको मैनेज करते हैं। और दूसरी चीज़, इंट्यून के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है, एक क्लाउड प्रोडक्ट है, उसके लिए आपको सिर्फ एक ब्राउज़र की ज़रूरत है, एक वेब ब्राउज़र की, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो एज हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो अगर आप वो यूज़ करते हैं तो, और कोई भी हो। और रिसेंटली अभी एक और अनाउंसमेंट हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि इंट्यून को वो नाम चेंज कर रहे हैं एंड पॉइंट मैनेजर से। सो एक तरह का रिफाइंड एक इंट्यून पोर्टल है। सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट आवर डेमो। पहले हम किसी भी एक सर्च इंजन पे जाएंगे एंड वहां पर हम लिखेंगे इंट्यून ट्रायल। एंड जैसे हम इंट्यून ट्रायल लिखेंगे, सबसे पहली एक लिंक आएगा, क्विक स्टार्ट ट्राई माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून फॉर फ्री। सो एक ट्रायल टेनेंट होगा एंड मैंने वो लिंक ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। सो क्विक स्टार्ट ट्राई माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून फॉर फ्री। सो जैसे ही आप इधर जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, गो टू दिस माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून ट्रायल लिंक, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेगा कि क्रिएट अ न्यू अकाउंट। सो जस्ट गो थ्रू द सिंपल सेटअप जो आपका है, मैं ऑलरेडी वो क्रिएट कर चुका हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह के स्क्रीनशॉट्स आएंगे, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे पहले ही।
सो सबसे पहला आएगा ये वाला, जिसमें आपको अपनी कंट्री बतानी पड़ेगी, अपना नाम और आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर और आपकी कंपनी का नाम और कितने लोग हैं इस कंपनी में। सो जब आप ये कंप्लीट कर लोगे, जब आप नेक्स्ट करोगे, तो फिर वो आपको बोलेगा क्रिएट योर यूज़र आईडी। तो जैसे ही आप यूज़र आईडी के ऊपर जाओगे, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो आपका यूज़र नेम होगा। ये मेन है, इंडियंस इन चाइना मैंने लिखा है अपने लिए। आपका कोई भी कंपनी का नाम हो या कोई भी, आप एक रैंडम नाम चूज़ कर सकते हो, अगर वो अवेलेबल होगा तो यहाँ पर टिक आ जाएगा। एंड उसके बाद जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे, आप क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद फिर वो आपके फ़ोन पे एक मैसेज भेजेगा, जो एक तरह का ओटीपी होगा, और जैसे ही आप ओटीपी कंप्लीट करोगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला पेज मेरा ओपन हुआ है, जहाँ पर मेरा नाम मुझे यहाँ पर दिख रहा है, himanshu@indiansinchina.onmicrosoft.com। लेकिन यहाँ पर आपको इंट्यून कहीं नहीं दिख रहा, करेक्ट? सो इंट्यून के लिए एक अलग लिंक है, तो वो लिंक है portal.azure.com। सो ये पूरा का पूरा Azure से कनेक्टेड है। मैं यहाँ पर अपने अकाउंट को ऑथेंटिकेट करता हूँ। तो Azure एक बेस है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर इंट्यून प्रोडक्ट बना है। अब यहाँ पर भी मुझे कहीं पर इंट्यून नहीं दिख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पर सर्च रिसोर्सेज सर्विसेज एंड डॉक्स में जा सकते हैं और यहाँ पर इंट्यून लिख सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा इंट्यून, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये है आपका इंट्यून पोर्टल। सो सबसे पहले तो यही था जो फर्स्ट वीडियो के अंदर मुझे आपको बताना था, कि इंट्यून पोर्टल कैसे जाया जाता है, कैसे आप अपना एक फ्री अकाउंट बना सकते हो, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड अभी तक के, वो आप कमेंट्स में डालिए एंड मैं आपको आंसर करने का ट्राई करूँगा। सो अगेन स्टे ट्यून्ड, एंड आपको आने वाले टाइम में और भी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर मैं इंट्यून के और डेप्थ में जाऊँगा कि कैसे डिवाइस एनरोलमेंट होती है, क्या एनरोलमेंट होती है एक्चुअली, डिवाइस कंप्लायंस क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिवाइस सिक्योरिटी क्या है, डिवाइसेस में आप क्या क्या ऑप्शंस देख सकते हैं, क्लाइंट एप्लीकेशन, ई बुक्स, ये हर एक चीज़ के ऊपर मैं जाऊंगा, जो भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं मोस्टली। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच अगेन फॉर ट्यूनिंग इन।